कुछ लोग इस भक्तामृत स्तोत्र के बारे में ऐसा कहते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र का वाचन दिन में होना चाहिए, रात्रि में नहीं होना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को नहीं होना चाहिए, पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भक्तामृत स्तोत्र का वाचन आप कभी भी कर सकते हैं। कैसे होना चाहिए आपने बोला, कैसे होना चाहिए हमें? अगर भक्तामृत स्तोत्र का आपको पूरा पुण्य लेना हो, अगर पूरी विशुद्धि का फायदा उठाना हो, तो आनंद जब है जब भक्तामृत स्तोत्र का पाठ आप कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति भगवान आदिनाथ के सामने उनसे आँख से आँख मिलाकर करें। आनंद जब है जब चांदखेड़ी के भगवान आदिनाथ के सामने आप बैठ के भगवान के सामने एकांत में आप इस स्तोत्र का पाठ करें, तब देखें इसका आनंद कैसे आता है। इसको पढ़ना कैसे चाहिए? उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, हर शब्द का अर्थ आना चाहिए, और उच्चारण मुख से होना चाहिए और हृदय में उसके अर्थ का चिंतन होना चाहिए। फिर देखिए इसकी भक्ति और इसका फल। 7 क्षय पुण्य का बंद कराने वाला ये स्तोत्र है। आप समझिए, कोई दुकान बहुत समय से चलती है तो क्यों चलती है? क्योंकि उस दुकान का माल बहुत अच्छा होता है। इतने स्तोत्रों में भक्तामृत स्तोत्र ही मान्य क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये स्तोत्र अनुपम और अनोखा है।